अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये चॉकलेट्स मैंने आयरा को मंगवा के दी थी। आयरा ने स्कूल लेके जानी थी, उसने क्योंकि मिठाई लेके जानी है ना अपनी टीचर्स के लिए, अपनी क्लास फेलोज के लिए ना, तो वो कह रही थी कि मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं कि मिठाई नहीं सिर्फ खानी, साथ में और भी कुछ खाना है। तो पहले मैंने आयरा को कहा कि आप पिज्ज़े ले जाना साथ, मतलब बच्चियाँ शौक से खा लेती हैं ना पिज्ज़ा। फिर कहती है नहीं मम्मा, ऐसा करें आप ना मुझे चॉकलेट्स मंगवा दें। तो मैंने फिर ये चॉकलेट्स मंगवा दी थी, तो मिठाई के साथ ना आयरा ने ये चॉकलेट्स भी दी थी अपनी टीचर्स को भी और क्लास फेलोज़ को भी। हमारी कामयाबी तुम ही तो ये देखे थी। आयरा के लिए पानी आया, वाटर कैन पाँचों ने कहे नाम की ऊपर वालों ने दिया। ये चीज़ें बेसिकली यासिर को मिली थी यू फोन वालों की तरफ से, तो बस यहाँ मैं आयरा को तंग कर रही थी कि बाबा आपके लिए ये गिफ्ट लाए हैं। आयरा को ना मैंने और यासिर ने कैश ही गिफ्ट किया है कि आयरा आपने जो लेना है ना खुद ही ले लो। खैर अब देखिए आयरा क्या लेती है। तो ये देखें, ये उस दिन जो शॉपिंग की थी मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये पिंक वाली शर्ट मैंने सनशिया से ली थी 50% ऑफ पे, और ये वाली शर्ट मैंने आउटफिटर से ली है, इस पर कोई ऑफ नहीं था, और ये ब्लैक वाली शर्ट पे भी कोई ऑफ नहीं था। पिंक वाली शर्ट और ये जो शॉर्ट्स है जीन्स की, ये दोनों सनशिया से ली थी, ये सनशिया पे 50% ऑफ चल रहा है। तो लेकिन वहाँ और कोई चीज़ मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी, और जो पसंद आ रही थी उसमें मोहम्मद कासिम का साइज़ ही अवेलेबल नहीं था। और आउटफिटर पे मैं पहले इसलिए गई थी कि चले वहाँ ऑफ लगा होगा तो मैं वहाँ से ले लूँगी मोहम्मद कासिम की शर्ट्स भी और शॉर्ट्स भी, लेकिन वहाँ फुल प्राइस पे मेरे थे कपड़े, तो बस मैंने वो दो शर्ट्स ही ली थी वहाँ से। यासिर की ये एक ही शर्ट ली है, ये मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली है। आई थिंक ये 20% ऑफ पे मिली है मुझे, क्योंकि ये न्यू अराइवल्स में थी। तो ये देखें कितनी प्यारी शर्ट है ना, लाइनिंग में तो वैसे ही मुझे बहुत प्यारी, मतलब कोई भी आर्टिकल जो लाइनिंग में होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ना सेम कॉम्बिनेशन में दो तरह की शर्ट्स थी, वो इस तरह की देखें, इसके स्लीव्स स्किन कलर में है ना, दूसरी वाली शर्ट के स्लीव्स ब्लैक थे और मतलब आगे से सारी शर्ट वो स्किन थी, लेकिन मुझे ब्लैक वाली ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ब्लैक कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखें व्यूवर्स, ये ना हैंड क्रीम है, ये मैं सोदिया से लाई थी और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छी क्रीम है ये। ऐसे हैंड्स सिल्की हो जाते हैं और नेल्स भी इतने अच्छे हो जाते हैं ना। ये देखिए इन्होंने दिखाया हुआ है कि हैंड्स पे अगर क्रैक्स आए हो तो ये यूज़ करें तो फिर ठीक हो जाते हैं। खैर मेरे हैंड्स पे क्रैक्स तो नहीं आते, अल्लाह ना करे कभी आए भी, क्योंकि मैं अपने हैंड्स की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो बस ये वसीम भाई अब आने लगे थे तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा आपकी आपको कुछ चाहिए मैं आपके लिए ले आऊँ, तो मैंने फिर वसीम भाई को कहा कि आप ना मेरे लिए ये क्रीम ले आए। तो ये वो तब से लाए हुए थे तो अभी मेरी ख़त्म हुई थी, तो मैंने ये भी आज खोलनी थी तो मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखें ये वेप भी लाए हैं वसीम भाई ना यासिर के लिए, ये क्रीम और वेप दोनों इकट्ठे ही पड़े हुए थे तो मैंने आज निकाले, तो फिर इसलिए इन दोनों की इकट्ठी मैं आप लोगों से ना वीडियो शेयर कर रही हूँ। और वीडियो इसकी जो वेप ओपनिंग है ना, बॉक्स ओपनिंग की वीडियो यासिर अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग ज़रूर यासिर के चैनल पर जाके देखिएगा। तो यहाँ देखें आयशा को रात को 1 बजे याद आ गया था कि बाबा मुझे स्नैक्स ला के दें, तो फिर यासिर ने जाके ला के दिए, तो फिर आयशा वो खा रही थी लेज और जूस पी रही थी, बाकी बच्चे सब सो गए हुए थे। तो ये देखें जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, बच्चों के स्कूल जाने वक्त मैंने इनके लिए ये सैंडविचेस और ये बर्गर्स बना दिए थे। बस तीनों बच्चों ने ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट करना था। आयरा ने शामी कबाब वाला सैंडविच खाना था, मोहम्मद कासिम ने ऑमलेट के साथ स्लाइस खाना था, और इज़ू ने शामी कबाब वाला बर्गर खाना था। बस बच्चे जो जो जिस बच्चे को पसंद होता है ना मैं वो बना देती हूँ। मोहम्मद कासिम का रिक्शा पहले आ जाता है तो उसके लिए मैंने ये पहले बना दिया था ये स्लाइस और ऑमलेट, और फिर मैंने आयरा के लिए सैंडविच बनाया था, उसकी वीडियो स्किप हो गई है, और इज़ू के लिए फिर मैंने बाद में बर्गर बनाया था। इज़ू लास्ट में जाती है ना, मोहम्मद कासिम सबसे पहले जाता है, फिर आयरा जाती है और लास्ट में इज़ू जाती है। तो बस सबके लिए ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया था। मोहम्मद कासिम ना सिर्फ एक दिन यूनिफॉर्म में गया है,
क्योंकि स्कूल में ना उन लोगों ने कहा हुआ है कि सब बच्चे ना कलर्ड में आए, तो वो सिर्फ मंडे को कलर्ड में गया, सॉरी यूनिफॉर्म में गया था। मुझे संडे को कहता है मम्मा शायद 1 वीक ही कलर्ड में जाना था, तो आप ऐसा करें मेरा यूनिफॉर्म रेडी कर दें। तो मंडे को भी मैंने इसे यूनिफॉर्म में भेजा था, तो फिर स्कूल से आके कहते हैं मम्मा नहीं अभी नहीं हम लोगों ने यूनिफॉर्म में जाना क्योंकि स्कूल में शदीद गर्मी है। तो गर्मी तो वाकई भाई बहुत शदीद है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल चाहता है ऑल टाइम रूम में बंदा बैठा रहे एसी में, क्योंकि किचन में भी इतनी शदीद गर्मी लगती है, लेकिन मदर्स क्या करें, मदर्स ने तो जाना होता है ना किचन में अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए खाना वाना बनाने के लिए। तो खैर गुजर ही जाएंगे ये दिन भी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ देखें ये मैज़ू के लिए बर्गर बना रही हूँ। बर्गर बन में मैंने चिली गार्लिक सॉस लगा ली थी और साथ में म्यूनीज़ लगा ली थी, और शामी कबाब पे ज़्यादा सा अंडा लगा के मैंने इसे फ्राई कर लिया था, और मैं इसमें बन में रख दूँगी। तो इज़ू का बर्गर रेडी है। व्यूवर्स शामी कबाब बना के रख देना, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है मेरी तो आसान हो जाती है माशाल्लाह। मेरे बच्चे सैंडविचेस भी खा लेते हैं इसके, और इसके बर्गर्स बनवा के भी खा लेते हैं, मतलब मुझे ना सुकून रहता है। क्योंकि आयरा को ना ऑमलेट या एग्स वगैरह इतने नहीं पसंद, और इज़ू का जब मूड होता है तब वो खाती है, मतलब एग्स वो भी बहुत शौक से नहीं खाती है। तो मैं फिर शामी कबाब बना देती हूँ। ये बनाने भी ईजी हैं और इन्हें हम ज़्यादा दिन फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं नगेट्स भी बनाती हूँ और चीज़ें भी बनाती हूँ, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इजी ना शामी कबाब लगते हैं और मेरे बच्चों को पसंद भी यही है। अब आयरा और मोहम्मद कासिम स्कूल जा चुके थे, बस इज़ू ही घर थी। इज़ू ना 7:30 जाती है, 7:30 इसकी क्लास स्टार्ट होती है, बस स्कूल करीब ही है, अबू जी के साथ इन्होंने जाना होता है। तो इज़ू एग्जैक्ट 7:30 बजे जाती है, इससे पहले नहीं जाती है। तो ये अपना थोड़ा सा इसका कोई वर्क रह गया था वो कर रही थी, तो बस ला के मैंने यहाँ रख दिया था इसका ब्रेकफास्ट, तो साथ साथ ये ब्रेकफास्ट कर लेगी। तो आएँ अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। आज की रेसिपी बहुत इजी है और बहुत मज़े की है, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा ये रेसिपी। मटन पालक ज़रूर बनाइएगा। मैं ना पालक कीमा पहले बनाती होती हूँ, कीमा ज़रूरी नहीं है कि हम मटन का ही लें या बीफ का लें, जबकि गोश्त अगर हम बीफ लें ना उसकी हड्डियों का और टेस्ट होता है, मतलब पालक में और तरह का टेस्ट आता है जबकि मटन का और टेस्ट आता है। मटन का मटन में जो बनता है ना पालक गोश्त, मतलब वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो जैसे आपको इजी लगे आप वो ले लीजिएगा। ये देखें यूजुअली जिस तरह हम बनाते हैं हंडिया उसी तरह बनानी है, प्याज लहसुन अदरक टमाटर और मटन मैंने इसमें ऐड कर लिया था, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा मतलब सफ़ेद ज़ीरा काला ज़ीरा, और पानी इसमें डाल के जितनी देर में आप गोश्त गलाते हैं उतनी देर में गला लें। मैं तो 15 मिनट इसे स्टीम में रखती हूँ और ज़बरदस्त गोश्त गल जाता है। तो साथ में ये मैंने डीप फ्रोस्ट करने के लिए पालक निकाल के बाहर रख दी हुई थी। वैसे व्यूवर्स पहले से पालक बॉईल करके हम ठंडी करके फ्रीज़ कर देना तो बहुत इजी होता है हंडिया बनाना, जबकि पालक उसी दिन हम लोग धोएं उसी दिन से बॉईल करें और फिर हंडिया ज़रा मुश्किल लगती है। खैर ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी और बस इसे डीप फ्रोस्ट कर लिया था। साथ में ये देखें इतना अच्छा सा मटन गल गया था। तो अब इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है, घी और ऑयल दोनों चीज़ें मैं डालती हूँ। वो ऐड करने के बाद इसे मैं 5 मिनट तक भूनूंगी और फिर इसमें पालक ऐड कर दूंगी। इंग्रेडिएंट्स और इनकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। पालक गोश्त ना बहुत मज़े का बनता है। और हाँ पालक मैंने इस तरह बॉयल की थी, पालक में पानी ऐड कर लिया था, पानी आप जितना मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कि फुल कुकर ही भर लेना है मतलब अंदाजे से। और उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लिया था और उसे 10 से 15 मिनट तक पकाया था, और बाद में पानी सारा उसका ना फेंक दिया था पालक का। जस्ट पालक मैंने बास्केट में निकाल ली थी तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था, ठंडा होने के बाद मैंने उसे फ्रीज़ कर दिया था। ये देखें जी ये मटन में मैंने अब सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, और पालक में ना सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करनी होती हैं, मतलब सूख मिर्च आप कम ऐड कर लें और सब्ज़ मिर्च ज़्यादा। अब मैं इसमें पालक डालूंगी और 10 मिनट तक उसे भूनूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पालक को ना। मैं पालक को इसी तरह बनाती हूँ और इतनी मज़े की बनती है। कुछ लोग ना इसे ग्राइंड करते हैं बिल्कुल लिक्विड सा बना लेते हैं, वो भी नहीं अच्छी लगती पालक, और चिकन में बनी हुई पालक का भी इतना मज़ा नहीं आता। खैर सबका अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को चिकन में पसंद होती है, किसी को मटन में या बीफ में। तो यहाँ देखें जी
हमारे चावल भी रेडी थे, ज़ीरा राइस बना लिए थे साथ, और साथ में पालक गोश्त था। बहुत मज़े का डिनर था अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी पालक गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि देखने में आपको पालक गोश्त कैसा लगा है, क्योंकि जब आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं ना, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर मेरा जी चाहता है मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ शेयर करूँ, अच्छे अच्छे से व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ, तो बस अपनी हर एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।